सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट एवेलिन गेलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट इन दिस चैप्टर गिविंग द इंस्पायरेशन टू दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड इन दिस लेसन द ऑथर हैज शोन हाउ द हैंडीकैप्ड पर्सन आर टू फेस ट्रबल एंड डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ मोस्ट ऑफ देम मेक ए कॉम्प्रोमाइज विद देयर डेस्टिनी दे एक्सेप्ट देयर हैंडीकैप्डनेस एंड टेक टू बेगिंग और सम अदर लॉलेस एक्टिविटी But some persons being handicapped does not give up. They struggle hard. They fight it hard. They fight it hard and raise themselves to high position in life. To them, handicappedness is not a curse but a boon. A small girl of 11, Evelyn Gelleny, gets her hearing capacity totally killed. But she does not give up. She struggles hard and learns the music. She becomes the most sensational music star of the world. She become a figure of the inspiration for the disabled. ये जो हम पाठ पढ़ेंगे ये सारे रूप से अपंग लोगों के लिए एक प्रेरणा के लायक है. इसके अंदर जो एवेलिन गेलेनी नाम की लड़की होती है जो अपनी टोटल जो हियरिंग कैपेसिटी है उसे लॉस कर देती है खो देती है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस मुकाम तक पहुंच पाती है एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर वह अपना नाम कमा पाती है. So let us start the story. From here, before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसे उसकी सुनने की शक्ति वो छीन ली थी, लेकिन उसने इसके बदले में उसे एक अद्भुत शक्ति है वो प्रदान की थी. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जिस चीज को हम सुनते हैं, वो उसे फील करती थी, अनुभव करती है. और हम में से किसी से भी अधिक गहराई से अच्छे तरीके से. दिस इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. यही कारण है कि वे संगीत को इतने सुंदर ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फोट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी. एक व्यक्ति के जीवन का नीचे दिया गया वृतांत है, पढ़िए. जो अपनी शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ती है और अपने जीवन को एक सफल कहानी में बदल देती है. रश आवर क्राउड्स जोस्टल, जोस्टल मतलब धक्का मुक्की करना, फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म. कि भीड़ वाले समय में भूमिगत अंडरग्राउंड जो भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपना स्थान बनाने के लिए धक्का मुक्की करती है. ये एवेलिन के बारे में कहा जा रहा है. ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स, और जो कि 17 वर्ष की होने के बावजूद भी कहीं और छोटी लग रही थी. वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. ताकि वह एकदम अधीर हो जाती, उत्सुक हो जाती है, लेकिन रेलगाड़ी की जो आने की जो कंपनता है उसे सुनकर बड़ी उत्तेजित थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting means dar frightening enough for any teenager fresh from a Scottish farm. बताया कि लंदन में स्थित संगीत की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी में उसका यह पहला दिन था और स्कॉटिश फार्म में रहने वाली लड़की के लिए ये एक बड़ा ही डरावना अनुभव था. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly डीप. लेकिन इस उस उत्साहित संगीतकार ने सबसे बड़े खतरे का सामना किया था क्योंकि वह पूर्ण रूप से बहरी थी. एवेलिन गेलेनी'स लॉस द ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल बताया कि एवेलिन जो गेलेनी है उसकी सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे अंत तक नष्ट हो गई थी. हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ है, उसकी माँ याद करती है, उसकी माँ याद करते हुए बताती है कि उसने तब देखा जब 8 वर्षीय एवेलिन ने पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी. एंड दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव. बताया कि वे उन्होंने उसका नाम है पुकारा परंतु वह हिल नहीं रही थी. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, सेज उसकी जो माँ इसाबेल गेलेनी. बताया कि उसने बताया कि मैंने तब अचानक मैंने अनुभव किया कि उसे सुनाई नहीं दिया.
इसाबेल गेलेनी उसकी माँ का नाम है, उसने कहा, फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कैंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। राइट, कुछ दिनों तक तो एवलिन ने अपने दोस्तों और अध्यापकों से अपने इस बहरेपन की बढ़ती हुई समस्या को छिपाने में वह सफल रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड बीन डेटरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। है कि लेकिन 11 वर्ष के होने तक उसके जब अंक है जब कम होने शुरू हो जाते हैं तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है वो उन्हें आग्रह करती है उसके माता पिता से कि वो किसी विशेषज्ञ के पास उसे लेकर जाए ताकि इसकी समस्या का हल किया जा सके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज श्योरली इम्प्रेस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और बताया कि तब इस बात का खुलासा हुआ, तब पता चल सका कि उसकी सुनने की शक्ति है नाड़ी के नष्ट हो जाने के कारण कमजोर पड़ गई है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। तब उन्होंने सलाह दी कि वे उसे सुनने की मशीन लगवा देते हैं, मशीन सुनने का जो यंत्र है वो लगवा दे और उसे बहरों वाले स्कूल के अंदर जहाँ उसी तरह के बच्चे हैं वहां भेज दे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है प्रत्येक चीज मुझे तब अंधकार नजर आने लगता है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवलिन है वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने एक सामान्य जीवन जीने का और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने अपने आप को भी उसे बजाने का निर्णय ले लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्क्रेज्ड हर बट परकसनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बताया कि लेकिन अधिकतर उसके जो शिक्षक है उन्होंने उसे निरुत्साह किया, मतलब उसका उत्साह कम किया, लेकिन एक तबला वादक परकशनिस्ट मतलब तबला वादक एक रोम फोर्ब्स नाम का एक व्यक्ति होता है उसने उसकी क्षमता को पहचान लिया था, उसे पता था कि ये कितना कुछ कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो ढोलकों को अलग अलग आवाजों में बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। बताया कि वो कहते थे, उन्होंने कहा कि अपने कान से मत सुनो, उन्होंने कहा इसे किसी और ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो, मतलब इसे महसूस करो कि आप क्या सुन रहे हैं। सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और तब एवलिन कहती है कि अचानक ही मैंने महसूस किया कि ऊंची आवाज वाले ढोलक को मैं कमर के ऊपर और कम आवाज वाले ढोलक को मैं कमर के नीचे महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ताकि जो फोर्ब्स है उसने इस प्रक्रिया को दोहराया और जल्द ही एवलिन ने पाया कि वह अलग अलग प्रकार की जो धुन है उनको अपने शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से महसूस सुन सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने ध्वनियों और कंपन को महसूस करने के लिए अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और अब शेष बचा था तो दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। और उस बिंदु के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा मतलब वाद्य वृंद के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का भ्रमण किया और 16 वर्ष की होने तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय ले लिया था। She audienced for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. That is the name, she audienced. उसने give up a short performance. किसी चीज उसने संगीत के रॉयल अकेडमी के लिए परीक्षा दी और अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक उसने अंक प्राप्त किए थे। She gradually moved from the orchestral work to solo performances. और धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा को जो छोड़कर जो एकल मतलब अकेले वादन की ओर वह जाने लिए, अकेले म्यूजिक को बजाने की जो परफॉर्मेंस है उसकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। एट द एंड ऑफ
हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और बताया कि उसने 3 वर्ष का कोर्स पूरा होने तक ऊंचे ऊंचे जो पुरस्कार है उसमें से अधिकतर पुरस्कार है वो जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवलिन किसी महान उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती है। इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, यदि आप परिश्रम करते हो और यह जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर द मल्टी पर्कशनिस्ट विद ए मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उच्च शिखर तक पहुंच ऊंचे स्थान पर पहुंची संसार की सबसे अधिक मांग की जाने वाली तबला वादक, जिसने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बड़ी कुशलता से बजाने का उनसे प्ले करने का हासिल एक कुशलता वो हासिल कर ली थी, और इसके पास अब बहुत अधिक जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है श्रम जो समय सारणी है उनकी व्यस्तता है वो बढ़ जाती है, मतलब अब उसकी डिमांड है बहुत अधिक बढ़ जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इट इज एनीग्रिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और बताया कि बिना सुनने की शक्ति के एवलिन को इतने सहज ढंग से संगीत बजाते सुनना बहुत ही मनमोहक लगता था। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और अब हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में मैं कभी भी एक शब्द भी सुनने से नहीं चूकी, उसने सारे शब्द है वो उसने सुने। मैन विद बेसी ब्रेड्स गिव मी ट्रबल, उसने उसी लाप उसने हंसकर कहा कि झाड़ेदार दाढ़ी वाले लोग हैं मेरे लिए कष्ट बन जाते हैं। सी लाफ इट इज वह हंसकर कहती है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, उसने बताया केवल होठों को देखकर ही नहीं सुना जा सकता, यह तो सारे चेहरे से प्रकट होता है और खासकर जो आंखों की नजरें हैं जो नजरें हैं उनसे तो ज्यादातर ऐसे। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिलिट, बताया कि वह बड़ी स्मूथली में बड़े धारा प्रवाह रूप में स्कॉटलैंड के लहजे में बोलती जा रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, वह बताती है कि मेरा उच्चारण इसलिए स्पष्ट है इसलिए साफ है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक मैं सुन सकती थी, वह बताती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं करती है वो कि उसने फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी और जापानी भाषा के मौलिक रूप से जो उसने कुशलता प्राप्त की थी वो कैसे प्राप्त की। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और जहां तक की संगीत की बात है वो बताती है इट्स प्योर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह तो मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में मेरे शरीर के अंदर प्रभावित होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन एंड इवन इन माई हेयर, और इसकी जो आवाज है ये मेरी त्वचा मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों के अंदर भी गूंजती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, और जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह आवाज को जो आवाज है छड़ियों में से होकर अपनी उंगलियों के जो आगे वाले भाग है उसके अंदर मैं महसूस कर सकती थी सुन सकती थी। बाय लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस इज फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, ढोलक के ऊपर झुककर मैं अपने शरीर के अंदर उनकी गूंज है उन्हें सुन सकती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, लकड़ी के मंच के ऊपर वह अपने जूते उतार देती है ताकि उसकी जो तरंगे हैं उसके जो कंपन है उसे अपने नंगे पैरों और टांगों से होकर अपने दिमाग तक पहुंचा सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और बताया कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन अपने जो ऑडियंस है उन्हें आनंदित करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फ्लोरमिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस स्कॉलर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स, और बताया कि 1991 में उन्हें रॉयल फिल हार्मोनिक जो सोसाइटी है उसके लिए प्रतिष्ठित सोलोइस्ट जो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर है उसका पुरस्कार है वह प्रदान किया गया था। ये जो इसके अंदर दिखाया गया है रॉयल फिल हार्मोनिक जो एकेडमी इसके अंदर लिखी गई है ये सोसाइटी जो ब्रिटिश म्यूजिशियन सोसाइटी फॉर्मिंग 18
13. It was okay.